क्या माने कि टिकट नहीं मिला, इसकी नाराजगी नजर आती है, इसीलिए आप पार्टी से इतर हो गए। कुछ कारण रहे, टिकट इसका कारण नहीं है। जब एक परिवार में आपका मान सम्मान कम होने लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में रहकर कोई फायदा हो। नया नया परिवार ज्वाइन किया है, धीरे धीरे इसमें रचेंगे बसेंगे, इस परिवार का हिस्सा बनेंगे और इस परिवार को साथ लेकर चलेंगे। भाई देवेंद्र बबली को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और अपनी आवाज को क्षेत्र में बुलंदी से उठाएं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं हेवन हरियाणा। हेवन हरियाणा राजनीतिक हलचलों की तमाम खबरें आप तक पहुंचाता है और यदि बात जाखल मंडी की कर ली जाए तो एक ऐसा चेहरा, युवा नेता का चेहरा जो बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा और काफ़ी सुर्खियों में भी दिखाई दिया, लेकिन इस राजनीतिक सरगर्मियों में एक बड़ा बदलाव देखने को आया है और एकदम से जो है वो चेहरा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नज़र आ रहा है। आखिर ये बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके की परिस्थितियां रहीं, इन तमाम मसलों को लेकर के बातचीत करेंगे। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में भी ये चेहरा काफ़ी चर्चित रहा। आदित्य बंसल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी में काफ़ी सक्रियताएं इनकी रहीं, क्या परिस्थितियां हुई जो ये भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए आज नज़र आ रहे हैं। आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विवेक जी। आम आदमी पार्टी में बहुत सक्रियताएं रहीं आपकी, तमाम कवरेज करते हुए हमने भी देखा जिस तरीके से इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बूस्ट करने में आदित्य का हाथ रहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतना कोई कर पाया। एकदम से बदलाव क्यों? देखिए, कुछ निजी कारण रहे थे जी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी कि मुझे लगा कि अब पार्टी छोड़ देना बेहतर है। तो ये मेरा निजी कारण था। हमने अपने सभी जो मेरे भाई मेरे परिवार जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनमें से मेजोरिटी ने जो फैसला दिया, हम उस फैसले के साथ चले और आज हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा हैं। आदित्य जी, आम आदमी पार्टी का हिस्सा आप रहे और उस दौर में जो है काफ़ी कयास भी लगाए जा रहे थे कि आपको टिकट मिलने वाला है, क्या माने कि टिकट नहीं मिला, इसकी नाराज़गी नज़र आती है, इसीलिए आप पार्टी से इतर हो गए? नहीं विवेक जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टिकट नहीं मिली वो कोई बात नहीं, वो पार्टी का उच्च नेतृत्व का फैसला था। जो मैंने पहले भी कहा था कि मैं पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा, मुझे पार्टी के फैसले पर यकीन है जो पार्टी ने किया। ठीक है, नाराज़गी ज़रूर थी, हम कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, कुछ ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से मुझे फैसला लेना पड़ा। देखिए, पार्टी में मैंने कार्य किया, बहुत अच्छा समय रहा, हमारे अच्छे लिंक बने, सब नेताओं से मिले, हमारा भाईचारा बढ़ा, हमारा परिवार बढ़ा, मगर इन पिछले कुछ दिनों में जब एक परिवार में आपका मान सम्मान कम होने लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में रहकर कोई फायदा होता है जी। बात आत्म सम्मान की है, हम काम करते हैं, हमने काम किया और आगे भी करते रहेंगे, मगर कोई व्यक्ति अगर आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाए और आपकी गरिमा को गिराए, उसके बाद उस पार्टी में रहने का मुझे कोई न्यायोचित नहीं लगा कि मैं उस पार्टी में रहूं, तभी मैंने वो पार्टी छोड़ी। बाकी जो काम किया वो काफ़ी अच्छा समय था, अविस्मरणीय पल हैं, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने मुझे इतना ऊंचा उठाने में या मैं आगे आया, काम किया, जिस पार्टी को लेकर मैं चला जी। मगर कुछ कारण रहे जिन वजह से हमें छोड़नी पड़ी, टिकट इसका कारण नहीं है, क्योंकि अगर टिकट की वजह से छोड़ना तो हम 11 को भी फैसला ले सकते थे, 12 को भी फैसला ले सकते थे, हमें अप्रोच तब भी किया था किसी ने, मगर एक बड़ा सोच समझ के फैसला लेना था। हमने काफ़ी समय इंतज़ार भी किया, मगर जब बात आत्म सम्मान की आती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे समझौता कर सकता हूँ। क्या लगता है, जिस पार्टी का हिस्सा आप बने, यहाँ वो चीज़ मिलेगी आप जो चाहते हैं? देखिए, क्यों नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर की पुरजोर सुनवाई करती है और इसमें वर्कर की पूरी इज्जत है, मान सम्मान है। बाकी हम आज ही इस परिवार का हिस्सा बने हैं, परिवार में काम करेंगे, परिवार को अपनाने की कोशिश करेंगे और परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और इस परिवार को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों की समस्याएं हल हो सके, लोगों के लिए काम कर सकें। तो अभी हमने नया नया परिवार ज्वाइन किया है, धीरे धीरे इसमें रचेंगे बसेंगे, इस परिवार का हिस्सा बनेंगे और इस परिवार को साथ लेकर चलेंगे। टोहाना से जो विधायक हैं, उम्मीदवार कहेंगे, जो पूर्व विधायक हैं और अब उम्मीदवार हैं, उनके लिए जो है आदित्य जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि सभी मेरे भाई बहनों माताओं से, हमारे बुज़ुर्गों से, सभी आदरणीय जनता से, कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और आपके और हमारे सबके सांझे उम्मीदवार भाई देवेंद्र बबली को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और अपनी आवाज़ को क्षेत्र में बुलंदी से उठाएं।
बिल्कुल, आज टुहाना में जन आशीर्वाद रैली, बहुत बड़ा हुजूम वहाँ देखने को मिला। और जब आप मंच पर पहुँचे और उस वक्त जब आपने जो है सदस्यता ग्रहण की पार्टी की, उस वक्त जो भाव थे और जिस तरीके से तमाम जो दर्शक दीर्घा में तमाम जो समर्थक बैठे हुए थे, वहाँ से जो प्रतिक्रियाएं मिली, उसको किन शब्दों में बयां करना चाहिए? देखिए, कोई शब्द नहीं है इन बातों के लिए, मैं नहीं शब्द हूँ, क्योंकि आज तक जो प्यार मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने मुझे दिया है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज तक जो सब ने मुझे सपोर्ट किया और आज भी किया, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं शामिल हुआ, जिसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोलिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री विपुल देव जी, हमारे टोहाना के कंटेंडर भाई देवेंद्र बबली जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी मौजूदगी में जन आशीर्वाद रैली के मंच पे आज सदस्यता मैंने ग्रहण की और मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना। और जो मेरे परिवार के लोग थे, जो सदस्य थे, सब ने बाहें खोलकर स्वागत किया और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। बहुत बड़ा जो वर्कर है, बहुत बड़े समर्थक हैं, आदित्य जी के साथ नज़र आते हैं, अब आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, देवेंद्र बबली जो हैं टोहाना से उम्मीदवार हैं, किस तरीके से उनका सपोर्ट करेंगे आप, किस तरीके से उनके सहयोग में खड़े हुए नज़र? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है तो तन मन धन से हम पार्टी की सेवा करेंगे और पार्टी को आगे लाने में, और तीसरी बार फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, नायब सैनी जी की अगुवाई में, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। और भाई देवेंद्र बबली को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से, उन्हें जिता के भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, आदित्य जी, देखिए, जाखल मंडी से आप संबंध रखते हैं, जाखल की तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के जब आप राजनीति में, जैसे ही आपकी एंट्री हुई और आपका चेहरा चमका, तो उसके बाद जो है तमाम जो स्थानीय मुद्दे थे यहाँ के, उनको लेकर के लोगों में एक उम्मीद नज़र आई, क्या माने कि अब आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हैं, क्या वो जो तमाम मसले हैं उनको हल करवाने की कोशिश आदित्य जी की रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। देखिए, मैंने पार्टी ज़रूर छोड़ी है, पार्टी ज़रूर बदली है, मगर अपने सिद्धांत और काम करने का तरीका नहीं बदला। जो मेरे विचार है, जो मेरे सिद्धांत है, आज मैं उन पर अडिग हूँ और हर एक समस्या का निवारण करने के लिए उचित प्रयास करूँगा और उन्हें सुलझाने का, और जाखल क्षेत्र को, टोहाना क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करूँगा। और रही बात काम करवाने की, तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता के काम आ सकें। कोशिश करना हमारा प्रयास है, जनता के लिए पुरजोर आगे आना, उनकी आवाज़ को उठाना, वो पहले भी किया था, आगे भी करता रहूँगा। पार्टी, चाहे मैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गया हूँ, मगर जो मेरा बेसिक एक स्ट्रक्चर है, जो हमारी फाउंडेशन है कि मैंने लोगों के काम आना है या लोगों के काम करने, समस्याएं हल करानी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना काम करने का तरीका बदलेगा। मेरा मानना यह है, एक पार्टी ज़रूर है, मगर एक नेता का खुद का भी एक डिसिप्लिन होता है, जो सिद्धांत होते हैं, हमने उनको नहीं बदला है, सिर्फ पार्टी बदली है, काम उसी तरीके से करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे, और असली नेता वो होता है जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखे। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से आप सदस्यता आपने ग्रहण की है, आज जिस तरीके का हुजूम, जिस तरीके का वहाँ पर लोगों का प्यार मिला, आप क्या मानते हैं टोहाना विधानसभा में इस बार कमल खिल रहा है? बिल्कुल खिलेगा जी, और पुरजोर तरीके से खिलेगा। जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, और उनसे यही निवेदन करूंगा कि आपके भाई अपने बेटे के साथ आगे भी इसी प्रकार खड़े रहें, और आपको जहां तक मेरा प्रयास होगा, आपकी हर एक परेशानी को, हर एक काम को पूरा करवाने का हम प्रयास करेंगे और आपकी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इसी तरह से अपने क्षेत्र को, अपने हलके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तो आदित्य बंसल ने पार्टी ज़रूर बदली है, लेकिन सिद्धांत वही हैं, उसी तरीके से, उसी कलेवर के साथ जाखल मंडी में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने का न केवल काम होगा बल्कि निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जाहिर तौर पर वही असली नेता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, कभी उससे इधर उधर नहीं होता है। आदित्य से भी जाखल मंडी और टोहाना के तमाम जो लोग हैं वही उम्मीद करते हैं, जिस तरीके, जिस उमंग के साथ ये आगे बढ़े थे, ये उमंग हमेशा बरकरार रहेगी और लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। लगातार बने रहें A1 हरियाणा पर, खबरों का सिलसिला यहां पर निरंतर जारी है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।